पीरपैती प्रखंड में जगन्नाथपुर बाबा पीरू रंजीत टीम फुटबॉल जगन्नाथपुर की ओर से बिहार खेल महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भागलपुर के सांसद शैलेश कुमार उर्फ भूलो मंडल एवं विधायक रामविलास पासवान के द्वारा फुटबॉल को किक मारकर खेल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सेमीफाइनल मुकाबले में काफी संघर्ष के बाद टुड्डू टाइगर टीम और FC महागमा की टीम पहुंची। दोनों टीमों के साथ मुकाबले में टुड्डू टाइगर टीम को 0 के मुकाबले 2 बॉल से पछाड़कर FCS टीम महागमा ने जीत हासिल की। फुटबॉल खेल के साथ दौड़ और हिंदी और आदिवासी नृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस खेल के संचालन राजगांव अराजी पंचायत के मुखिया रमेश टुड टाइगर के नेतृत्व में किया गया, जबकि जितेंद्र मरांडी और सुशील कुमार मडैया ने अपनी आवाज से उद्घोषणा कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। वही विजेता टीम को पुरस्कार देते हुए सांसद ने खिलाड़ियों को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के कई निर्देश दिए। इस मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव, प्रखंड अध्यक्ष रमेश रमन, युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रखंड महामंत्री कुंदन यादव, पैक्स अध्यक्ष रंजीत शाह, राजगांव अराजी पंचायत के मुखिया रमेश टुडू, जिला परिषद कैलाश यादव, प्यालापुर पंचायत के सरपंच सोनू किस्क, वार्ड सदस्य और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सन्मार्ग के लिए भागलपुर के पीरपैती से अमरजीत की रिपोर्ट। निश्चित रूप से खेल को मनोरंजन के रूप में लेते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन खेल जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत चीज सीख देने का काम है। आपने देखा होगा जब दो टीमें आपस में उतरती है तो दोनों टीम के सारे खिलाड़ी एक दूसरे से इतने मित्रवत व्यवहार करके हाथ मिला के आपस में फील्ड में उतरने का काम करता है। यह एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम करता है समाज कि हम लोगों के विरोधी भी अगर समाज में हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए उसके साथ और हाथ मिलाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करना। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।